जिससे उसको लगता है कि वो जीत गया है। उसके बाद फिर उन्हें तकलीफ होती कि उसने ऐसा सोचा अगर मैं सही था तो मुझको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैंने उसको माफ किया, इतना अच्छा हूँ कि मैंने उसको माफ कर दिया, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं गलत हूँ कि मैंने उसको माफ नहीं किया पूरी तरीके से, तो फिर मैंने उसको उसकी गलती की सजा कर दी। क्या नाम? सर्वेश। सर्वेश एक बात बताओ, आहत होगे तभी तो सजा दोगे, गलती होती है तभी सजा दी जाती है। गलती होने का मतलब है कि कुछ बुरा करा किसी ने तुम्हारे साथ, कुछ है जो तुमको हर्ट कर गया, तभी तो सजा देने की बात सोचते हो ना कि नहीं। ये है, ये खुली सी एक जगह है, इसमें कील ठोक के दिखाओ, यहाँ ठोक सकते हो, यहाँ लाख कील ठोको तब भी इस जगह कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा ना। वही कील ले आके इस दीवार पर ठोको, तुरंत क्या होगा, यहाँ पे निशान पड़ जाएगा, दीवार टूटेगी थोड़ी सी, होगी कि नहीं? इसको अहंकार कहते हैं। हर्ट वही होता है, चोट उसको ही लगती है, टूटता वही है जिसके पास ईगो होती है। चोट सिर्फ अहंकार को लग सकती है, ओनली द ईगो कैन बी हर्ट। तो जब भी कभी आहत अनुभव करना तो जान जाना कि अहंकार पर ही वार हुआ है, और कुछ है ही नहीं जिसे चोट लगे। सत्य को चोट नहीं लगती, बोध को चोट नहीं लगती, अहंकार को ही चोट लगती है। तो तुम में से जिन लोगों ने ये धंधा ही बना रखा हो कि उन्हें बात बात पे चोट लग जाती है, दिल टूट जाता है, वो समझ लें कि वो परम अहंकारी हैं, क्योंकि अहंकार को ही चोट लगती है। अब ये अच्छा, हमने खेल खेला हुआ है, पहले तो हम कहेंगे कि हमें चोट लग गई। किसे चोट लग गई? हमें। तो उससे हमारे होने की भावना पुख्ता हुई, फिर हम कहेंगे कि अब हमने माफ कर दिया, और माफ करने वाला कौन है, तो बड़ा कौन है, तो अहंकार कैसा हुआ, और बड़ा हो गया। खेल खेल देख रहे हो, ये बढ़िया खेल है कि नहीं? पहले तो चोट लगे, और चोट लगने से अहंकार कहता है मुझे चोट लगी, चोट लगने में अहंकार और ताकतवर हो जाता है। तो पहले तो लगे चोट, और उसके बाद दी जाए माफी। मैं तुमसे कह रहा हूं, चोट खाना और माफ करना दोनों अहंकार के लक्षण हैं। तुम माफ करोगे ही क्यों अगर तुम्हें चोट ही नहीं लगी? तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया माफ करके? कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम माफ करके यही सिद्ध कर रहे हो कि चोट बहुत लगी थी। कोई तुमसे आए भी कहने कि सॉरी, और अगर तुम वास्तव में हल्के आदमी हो जो सहज जीता है, तो तुम कहोगे सॉरी किस लिए, मुझे बुरा तो लगा ही नहीं। असली जीत उसी की है जिसे बुरा, बोलो, लगा ही नहीं। जब बुरा ही नहीं लगा, अरे क्या माफ करें। कोई आ रहा है और तुमसे कह रहा है वो कल जो हमारी बातचीत हो गई थी, मैंने तुम्हें दो चार गालियां दे दी, माफ कर देना। तुम बोल रहे हो अच्छा कल कोई बातचीत हुई थी हमारी, कौन सी? हाँ हाँ कुछ याद आ रहा है, कुछ हुई थी। फिर क्या हुआ था उसमें? अच्छा तुमने गालियां दे दी थी, पर वो तो मैंने ली ही नहीं थी। तुमने दी थी, हाँ शायद दी थी नहीं, पर मैंने ली नहीं थी। अच्छा 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 सॉरी किस बात का बोल रहे हो? अरे मेरे पास वो गालियां नहीं है, वो तुम्हारे ही पास है, उनको छोड़ दो, क्यों लेके घूम रहे हो? मैं आहत हुआ ही नहीं हूं, मुझसे क्या क्षमा मांगते हो? अब ये हालत देख रहे हो, ये बड़ी ताकत की हालत है। तुम मेरे मालिक नहीं बन सकते, जो तुम्हें चोट पहुंचा ले वो तुम्हारा मालिक हो गया, जो तुम्हें चोट पहुंचा ले वो तुम्हारा मालिक हो जाता है। ये बात आ रही है समझ में? तुमने हक दे दिया उसे चोट पहुंचाने का। हम प्रेम में खुले हुए हैं, हम अहंकार में बंद नहीं हैं कि हमें चोट पहुंचा दी तुमने आके।
ठीक है, उस व्यक्ति को छोड़ो जिसके बारे में तुम ये सवाल पूछ रहे हो, अपनी ओर देखो, उसको छोड़ दो। तुम्हें अपने मन के साथ जीना है, दिन रात तुम इसमें जी रहे हो, अपने मन की ओर ध्यान दो। मेरा मन ऐसा क्यों है जो जल्दी से व्यथित हो जाता है, उसकी ओर ध्यान दो। ठीक है, उन लोगों को छोड़ो, बिल्कुल छोड़ दो।